नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। असाध्य बीमारी के बहुत साधारण से उपाय हैं। दोस्तों, कितनी बार आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे रोग लग जाते हैं शरीर के अंदर कि आप कितने भी दवा कराएं लेकिन रोग जाता नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये फिज़िकल है, लेकिन वो फिज़िकल नहीं होता है। कोई ना कोई बाहर की हवा भी होती है जो हमारे शरीर के अंदर ऐसे घुस जाती है, ऐसे बैठ जाती है कि वो जाने को तैयार ही नहीं होती है शरीर से। और हमें यही लगता रहता है कि ये रोग हमारी शारीरिक तकलीफ है और उसके लिए हम वर्षों वर्ष तक दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन वो जो रोग है वो जाने का नाम नहीं लेता है। तो दोस्तों, मैं इसके लिए बहुत साधारण से उपाय लेकर के आई हूँ। जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, इसमें से आप कोई भी उपाय कर लें, आप देखेंगे कि आपके रोग में कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ बहुत आसानी से आप तक पहुँचती रहें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, तो मेरी चैनल को लाइक और शेयर अवश्य ही करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कोई भी शारीरिक बीमारी हो या मानसिक, कितनी बार मेंटल कंडीशन भी ऐसी हो जाती है, अगर कोई ऊपरी बाधा होती है, कोई और तकलीफ होती है, दवाइयाँ अगर आप पर असर नहीं कर रही हैं, तो जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ आप उसे करके अवश्य ही देखें। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो है हनुमान जी के मंत्र का आपको जाप करना है। ये इसकी शुरुआत करनी है आपको शनिवार से। दोस्तों, 7 शनिवार या फिर 21 शनिवार, अगर 7 शनिवार में ठीक हो जाता है तो बेस्ट है, अगर नहीं होता है तो आपको 21 शनिवार तक ये उपाय करना है जो मैं बताने जा रही हूँ। आपको अपने घर में बाजोट रख करके उसमें लाल कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर आपको हनुमान जी की प्रतिमा रखनी है जिसका बैकग्राउंड रेड कलर का हो। उनके आगे दोस्तों तिल और चमेली का तेल मिक्स करके दिया लगाना है। और दोस्तों, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो ये तिल का तेल और चमेली का तेल दोनों मिक्स करके इसमें सिंदूर डालकर थोड़े से अक्षय ऊर्जा डालकर आपको हनुमान जी की मूर्ति पर भी चढ़ा देना है। और ये दिया तो लगाना ही है, चमेली का तेल और तिल का तेल दोनों तेल मिक्स कर लेने हैं आधे आधे। और इसके अंदर जैसे आप शनिवार करते हैं, जैसे अगर आपने शुरुआत में 7 शनिवार का नियम लिया है तो आप 7 उड़दा डाल करके करें, और अगर 7 हो जाने के बाद भी आपको राहत नहीं मिलती, आप 21 का नियम ले रहे हैं, तो उसके बाद से आप 21 उड़दा डाल करके करने लग जाएँ, तो उतने हिसाब से आप उड़दा डालें। अगर आप घर पे करते हैं तो दिए में डाल दें, और अगर आप मंदिर में करते हैं तो जो तेल आप हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ाते हैं उसमें आपको ये उड़दा डाल देना है। और 108 लौंग की माला जिसके आगे फूल हो, ऐसी आपको कच्चे धागे में लाल या सफ़ेद कोई भी एक कलर आप पसंद करें जिसमें आपको ये लौंग की माला बनानी है 108, और वो आपको हनुमान जी की मूर्ति पर मंदिर में चढ़ा देना है। ये माला आपको घर पर नहीं चढ़ानी है, समझ में आया? अगर आप मंदिर में कर रहे हैं पूजा तो तिल और चमेली का तेल का दीपक जलाएं और उसमें उड़दा डाल दें और उन्हें 108 लौंग की माला अर्पित कर दें, और तिल और चमेली का मिक्स तेल उड़दा मिला हुआ आप उन्हें भी चढ़ा दें और उसी का दिया लगा दें। और उसके बाद दोस्तों, अकीक की माला लेकर के आपको एक माला का जाप करना है, और मंत्र कौन सा बोलना है, नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपको यह मंत्र की एक माला करनी है। और उसके बाद दोस्तों, आपको सीरा या कोई भी मीठी चीज़ हो जिसमें गेहूं, गुड़ और घी का उपयोग किया गया हो, ऐसी चीज़ का आप उन्हें नैवेद्य चढ़ा दें। और अगर ऐसी कोई तैयार बनी हुई चीज़ को चढ़ाना संभव ना हो तो गुड़ और घी का नैवेद्य प्रसाद आप उनके आगे रख दें।
आप देखेंगे दोस्तों, इस मंत्र के प्रभाव से आपके शरीर में कितनी जल्दी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और जितने शनिवार आप ये कर रहे हैं दोस्तों, इसके साथ एक दूसरा उपाय है जो आप शनिवार कर रहे हैं, इसी के साथ आपको ये भी चालू कर देना है कि सोमवार के दिन, शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में ये विधि कर रहे हैं, सोमवार के दिन रात को 9 बजे के बाद आपको शिव जी के मंदिर जाना है। और दोस्तों ओम जूम शह जो इनका महामृत्युंजय जाप है, आपको रुद्राक्ष की माला से एक माला इसकी करनी है। और एक हाथ से, सिर्फ एक हाथ से, लोटे को आपको दो हाथ से नहीं पकड़ना है, एक हाथ से आप 11 लोटा, 21 या 51 लोटा पानी में सिर्फ जल लेना है। जल के अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है, शुद्ध जल लेकर के आपको गिनती के जितना आप चढ़ा सकते हैं, जितने लोटा आप पहले सोमवार को चढ़ाते हैं उतने ही लोटा आपको 7 सोमवार या फिर 21 सोमवार जो आप कर रहे हैं, आपको एक हाथ से लोटे में जल लेकर के और शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन ये दोनों ही काम, जल चढ़ाने वाला काम और मंत्र का जाप, रात को 9 बजे के बाद शिवालय में जाकर के आपको करना होगा। इस मंत्र को करने से दोस्तों आप देखेंगे कितने ही बड़ा असाध्य रोग होगा, शिव जी की कृपा से वह रोग धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगेगा। ये मेरा आंखों देखा हाल है दोस्तों। जिन लोगों ने ये उपाय किया है उन्हें डॉक्टर्स ने कंप्लीट मना कर दिया था कि अब ये मतलब इन्हें बचना ही नहीं है, ये कल भी जा सकते हैं, 5 दिन बाद भी जा सकते हैं, 10 दिन बाद भी जा सकते हैं, अब इनके बचने के कोई चांस नहीं है। ऐसे मरीज भी ये करने के बाद 4-4, 5-5 साल तक जीवित रहे। अगर आपके घर में जैसे कोई बीमार पड़ा है वो ये नहीं कर सकता है, तो उसके नाम से घर का दूसरा कोई भी सदस्य मंदिर में जा कर के ये उपाय कर सकता है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि इसका असर होता ही है। तीसरा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि घर पे रह करके बहुत ही साधारण उपाय है लेकिन बहुत ही असरकारक है। आपको थाली में जल लेना है, पीतल की थाली हो या कांसे की हो, ऐसी थाली में आपको एक लोटा जल लेना है या फिर एक ग्लास ले ले जितना मरीज पी सकता है, जितना मतलब उस जल को आपको फेंकना नहीं है। आपको इस थाली को लेकर के सूर्य देव के सामने बैठना है जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हों। आपको उस थाली को सामने रख देना है और बिल्कुल एक टक पानी की तरफ देखते हुए दोस्तों आपको 21 या 108 गायत्री मंत्र बोलने हैं। कितने बोलने हैं? 21 या 108। एक टक जल के सामने देखते हुए आपको गायत्री मंत्र बोलने हैं और उसके बाद उस मंत्र में फूंक मार देनी है और उस जल को जो भी रोगी है उसको पिला देना है। दोस्तों ये भी आप रविवार के दिन करने की शुरुआत करें और जब तक आपको परिणाम नहीं दिखाई देता है आप करके देखें, परिणाम अवश्य ही मिलेगा। ये जो उपाय हैं दोस्तों बिल्कुल असरकारक हैं और संशय रहित हैं। आपको किसी जात का कोई डाउट इसमें नहीं रह जाएगा कि आपको असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों इतना करके देखें, खुश रहें, सुखी रहें। जैसे